खबर है आईपीएल के महामुकाबले से। दिल्ली ने दर्ज की है रोमांच जीत। दिल्ली ने सुपर ओवर में पंजाब को चटाई धूल। काम नहीं आई मयंक अग्रवाल की अद्भुत पारी। दिल्ली कैपिटल ने सुपर ओवर में किंग इलेवन पंजाब को हराकर आईपीएल 2020 में जीत से शुरुआत की है। सुपर ओवर में पंजाब के बल्लेबाज केएल राहुल ने 2 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन खाता खोलते वगैरह आउट हुए। दोनों विकेट दिल्ली के तेज गेंदबाज रवाना ने झटके। झारखंड समाचार। झारखंड में राशन कार्ड बनाने के लिए 30 तक करें आवेदन। जाने किन्हें दी जाएगी प्राथमिकता। राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपया प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के शुभारंभ को लेकर शनिवार को डीसी छवि रंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बैठक में उपस्थित सभी वीडियो और सीओ से कहा कि रांची में योजना के तहत 1,32,514 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। लोग योजना का लाभ पाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा उनके नाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता। आदिम जनजाति परिवार, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, 40% से अधिक दिव्यांग, कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग, अन्य असाध्य रोग, ये ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहने वाले वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति, एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्यान्य लोग। खाद्य सुरक्षा योजना के खास बात है, योजना के तहत जिले के गरीब लोगों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 30 सितंबर निर्धारित की गई आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 1 से 10 अक्टूबर तक आवेदनों की जांच होगी। 11 से 15 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदन की जांच के बाद प्राथमिकता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 15 से 21 अक्टूबर तक जारी सूची पर आपत्ति दर्ज कराया जाएगा। 21 से 31 अक्टूबर के बीच सभी आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। 1 से 10 नवंबर तक प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने लैंड म्यूटेशन बिल को झारखंड सरकार से वापस लेने को कहा। भाजपा ने शहर के बिरसा चौक पर रविवार को झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल की प्रतियों को जलाई। इस दौरान हेमंत सरकार से जन विरोधी बिल को वापस लेने की मांग की गई। प्रदेश प्रवक्ता शिविका हसन ने कहा कि झारखंड सरकार कैबिनेट से जन विरोधी रहतों की जमीन की लूट के लिए झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल की मंजूरी दी है। एक साजिश के तहत बिल को सोमवार को विधानसभा में पारित कराने की योजना है। भाजपा इस काले कानून को किसी भी परिस्थिति में विधानसभा में पारित नहीं होने देगी। अगर यह बिल कानून बन गया तो झारखंड के गरीब अपनी जमीन से हाथ धो बैठेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, 3.71 करोड़ किसानों को मिले 12,000 रुपए। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। एग्रीकल्चर बिल पर घिरी मोदी सरकार को विपक्ष और कुछ किसान संगठन एंटी फार्मर साबित करने में तुले हुए हैं, लेकिन यह सच है कि किसानों के हाथ में खेती के लिए डायरेक्ट यानी बिन बिचौलिए के आर्थिक सहयोग देने वाली यह पहली सरकार है। देश के 3.71 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 12,000 रुपए की रकम जाई जा चुकी है। ये वो किसान है जिन्हें योजना की शुरुआत से लाभ मिल रहा है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि इसके कुल लाभार्थी 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन स्कीम, किसान को मिलेगा अब 3,000 रुपए की राशि हर महीने, जल्द करें आवेदन। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार के द्वारा किसान कल्याण योजना में एक यह है, यह स्कीम किसानों को आधुनिक तरीके से लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के द्वारा सभी किसानों को पेंशन प्रदान करने का काम किया जा रहा है। इस योजना में उन्हें 3,000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। किसानों से बहुत ही कम मात्रा में प्रीमियम की राशि भी मांगी जाती है। देश में वृद्ध किसानों को मदद देने वाली यह सबसे बड़ी योजना है, जिसके द्वारा देश के लगभग 14 करोड़ किसानों ने आवेदन किया है। राष्ट्रीय रोजगार दिवस घोषित करने की मांग। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। शराबबंदी आंदोलन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में रोजगार और प्राथमिकता मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने व
17 सितंबर को राष्ट्रीय रोजगार दिवस घोषित करने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री के नाम एसटीएम कार्यक्रम में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बताया केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने जा रही है, लेकिन निजीकरण को बढ़ावा ना देकर रोजगार को बढ़ावा देना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, आज हम सड़कों और पुलों का बिहार को देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 21 सितंबर को सड़क और पुल से जुड़ी बहुप्रतीक्षित 7 योजनाओं का वर्चुअल रैली के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 14,287.85 करोड़ रुपए है। दिन के 12 बजे शिलान्यास कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी देंगे बिहार को बड़ी सौगात। 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा खबर। आगामी 21 सितंबर यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को एक बार फिर 14,258 करोड़ की सौगात देंगे। इसके साथ ही राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि 9 राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी हाल ही के दिनों में बिहार में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किए हैं। वेस्टर्न रेलवे का और 150 स्पेशल सब अर्बन ट्रेनें चलाने का ऐलान। 21 सितंबर से इन यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कोरोना संकट के बीच रेल धीरे धीरे ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर रही है। बीते दिनों 12 सितंबर से नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बाद 21 सितंबर से वेस्टर्न रेलवे मुंबई और 150 स्पेशल सब अर्बन ट्रेनें चलाने जा रही है। मुंबई में लोकल ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने के इस ऐलान के साथ ही अब शहर में कुल 500 सब अर्बन ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी। सरकार ने दिखाया स्वरोजगार का सपना, अब सिस्टम की मनमानी झेल रहे हैं उत्तराखंड के युवा। देश काल और परिस्थिति कैसी भी, सरकारी सिस्टम अपनी चाल से चलता है। यूं भी कह सकते हैं कि उससे इसकी आदत नहीं होती है। कोरोना काल में लाखों की संख्या में आए प्रवासी अपने घरों में क्या लौटे कि सरकार ने उन्हें यहीं रोकने का सपना संजोने लगी है। इन्हें यहीं रोजगार देकर राज्य की समृद्धि में भागीदार बनाने की बात हो रही है। निश्चित तौर पर सकारात्मक पहल है, हर कोई सरकार ऐसा चाहेगी। पर क्या करे, सिस्टम इस मंशा को समझने की कोशिश नहीं कर रही है या फिर आधे अधूरे मन से कर रही है। वित्त मंत्री बोली की कौंसिल फैसला लेगी की राज्यों को GST क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों को GST क्षतिपूर्ति उपकर देने के लिए अपने वादे से केंद्र पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने कहा, भले ही हम एक्ट ऑफ गार्ड की स्थिति में हैं, हम काउंसिल में चर्चा करेंगे राज्यों को GST क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। काउंसिल फैसला लेगी कि किस प्रकार राजस्व भरपाई के लिए कर्ज लिया जा सकता है। संजय मांजरेकर ने रायडू व चावला को बताया काफी लो प्रोफाइल क्रिकेटर, हुई आलोचना। मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग के अंबाती रायडू और पीयूष चावला की तारीफ करते हुए उन्होंने लो प्रोफाइल क्रिकेटर बताने को लेकर कमेंटेटर संजय मांजरेकर की आलोचना हुई है। एक फैन ने लिखा, डियर संजय, आपको लो प्रोफाइल के जगह अंडर रेटेड शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। सीमा पर पाक से पाइप के रास्ते भारत भेजे जा रहे थे ड्रग्स के 62 पैकेट पकड़े गए, हथियार भी जब्त। सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार रविवार की रात अंतर्राज्य सीमा पर स्थित अरनिया में पाकिस्तान की ओर से पाइप के जरिए भारत में हथियारों, गोला बारूद और नशीली पदार्थ की तस्करी के प्रयास को नाकाम किया। BSF के IG NS जमवाल ने बताया, ड्रग्स के 62 पैकेट और 2 पिस्तौल, 4 मैगनी सहित कई हथियार बरामद हुए हैं। कृषि बिल पर राहुल गांधी बोले, सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला, लोकतंत्र शर्मिंदा है। राज्यसभा में कृषि संबंधित 2 विधेयकों को पारित होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि राज्यसभा में आज जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला, उसे लोकतंत्र शर्मिंदा है। उन्होंने कहा, जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। उत्तर प्रदेश के शामली में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाते हुए उनका पुतला जलाने वाले 15 लोगों पर दंगे करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। शामली के बीजेपी अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर द्वारा 17 सितंबर को हुई इस घटना की शिकायत के आधार पर 11 अज्ञात और 4 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। यूपी की सरकारी नौकरियों में अब किन्हें मिलेगा आरक्षण, सरकार ने की है घोषणा। यूपी की सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोग के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2020 जारी किया जा चुका है। इस अधिनियम को जारी होने के बाद अब यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग को 10% का आरक्षण मिलेगा। बता दें कि इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने सभी विभागों को निर्देश दे दिया है, साथ ही साथ इस आरक्षण नियम को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है। खबर के मुताबिक यूपी में अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत झारखंड में होगा पशुओं का टीकाकरण। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य भर में करीब 2,38,00,000 पशुओं का टीकाकरण होगा। यह काम साल में 2 बार किया जाएगा। भारत सरकार इसके लिए पूरा संसाधन उपलब्ध करा रही है। जिन पशुओं का टीकाकरण होगा उनमें 1,12,00,000 गोवंश, 12,54,000 भैंस, 6,42,000 भेड़, 45,00,000 बकरी तथा करीब 12,86,000 शुकर शामिल है। वर्ष 2016-20 तक झारखंड के 22,642 लोगों को मिला रोजगार। लोकसभा सदस्य अन्नपूर्णा देवी के अतारांकित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री आरके सिंह ने बताया कि झारखंड के सभी जिले में एक एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि PMKVI के अंतर्गत 17 मार्च 2020 तक झारखंड में 22,642 उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया। इस अवधि तक झारखंड में 63,119 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित तथा 48,557 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। बड़का गांव में आम बागवानी में लगे करीब 150 पेड़ों को असामाजिक तत्वों ने उखाड़ फेंका, ग्रामीणों में रोष। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत स्थित रुद्दी गांव में मनरेगा योजना के तहत लगाए गए आम बागवानी के पेड़ों को असामाजिक तत्वों ने उखाड़ फेंक दिया है। इतना ही नहीं, हर पेड़ को 2 से 3 टुकड़े करके फेंक दिया गया है। यह आम बागवानी इमरान अली एवं गुलजार अहमद के खेत में लगाया गया था। बता दें कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी लगाने का कार्य प्रवासी मजदूरों को सौंपा था, जिसमें गोंदलपुरा पंचायत के प्रवासी मजदूरों ने इस योजना के तहत आम के पेड़ लगाए थे। नातिन का काटा नाम तो फीस जमा करने पहुंचे शिक्षा मंत्री, भाजपा ने कसा तंज। झारखंड के बोकारो स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने समय पर फीस न भरने पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का नाम काट दिया। मंत्री स्वयं फीस जमा करने स्कूल पहुंचे, तब कहीं जाकर उनकी नातिन का नाम स्कूल की ऑनलाइन क्लास में वापस लिखा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा, नाम काटने की जानकारी मिलने पर वह शनिवार को बोकारो के चास स्थित DPS स्कूल पहुंचे और नियमों के अनुसार अपनी नातिन का फीस जमा की। महतो ने कहा कि उन्होंने फीस जमा की और निजी विद्यालयों की स्थिति का जायजा लिया। इस घटना पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने तंज करते हुए कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी का आलम सरकार को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल साठजी ने कहा कि चास के दिल्ली पब्लिक स्कूल की घटना तो बस एक उदाहरण मात्र है, क्योंकि यह मामला सूबे की शिक्षा मंत्री के घर से संबंधित था। इसलिए मंत्री आनंद फानन में स्कूल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हर दिन राज्य के सैकड़ों हजार अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान है, लेकिन प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार इन स्कूलों के सामने असहाय है। झारखंड के इस गांव के 90% युवा है साइबर क्रिमिनल, क्या है 50-50 का मामला। साइबर अपराधी राजेश मंडल और सुशील मंडल सगे भाई हैं। वर्ष 2015 से साइबर अपराध के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। दोनों भाई जेल भी जा चुके हैं। राजेश और संजय सहित 9 साइबर अपराधी शनिवार को जामताड़ा साइबर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े। SP ने बताया कि गिरफ्तार किए गए साइबर क्रिमिनल्स में से अधिकतर का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
एसपी ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। शनिवार को करमाटार थाना क्षेत्र के सियाटार गांव से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ जामताड़ा के साइबर थाना में आरटी एक्ट एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इनके पास से 9 मोबाइल फोन, 1 मोबाइल का डिब्बा, 10 सिम कार्ड तथा 1 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड के गढ़वा को मिला देश में 7वां स्थान। झारखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं, 14 प्लांट से हर दिन 8000 टन तैयार करने की क्षमता। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की खपत 3 से 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन झारखंड के लिए अच्छी बात यह है कि यहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पूरे राज्य में लगभग 14 ऑक्सीजन प्लांट है जहां पर हर दिन 8000 ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता है। इसमें बोकारो में सबसे अधिक 5000 टन, उसके बाद जमशेदपुर में 3000 से अधिक ऑक्सीजन प्रतिदिन तैयार होते हैं। वहीं रांची में 7000 टन, हजारीबाग में 4.3 टन, रामगढ़ देवघर में 10-10 टन ऑक्सीजन तैयार होने की क्षमता है। सूबे के हेमंत सरकार बोले, सही गलत का आकलन करने के बाद ही लाएंगे लैंड म्यूटेशन बिल। विधानसभा में लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर पीछे हटी राज्य सरकार ने इसे गलत और सही का आकलन करने की प्रक्रिया से जोड़ा है। शुक्रवार को इस बाबत सत्तारूढ़ दलों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सही और गलत का आकलन करने के बाद ही कोई विधेयक लाएगी। लोगों के सुझाव पर विचार करना आवश्यक है। सरकार सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। जानकारी के मुताबिक विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में सत्तारूढ़ दलों की बैठक में विधायकों ने भी एक स्वर में लैंड म्यूटेशन बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। बैठक के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों ने खुलकर अपना पक्ष रखा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर ने कहा कि जो त्रुटियां बताई गई है सरकार उसे दूर करने की बाद ही बिल पर कोई निर्णय लेगी। आईपीएल के लिए तैयार है सट्टेबाज। आईपीएल 19 सितंबर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही शहर में सट्टेबाज भी तैयार हो गए हैं। सुरक्षित ठिकानों के साथ ग्राहकों से भी संपर्क साधने का कार्य हो चुका है। सेटअप तैयार कर लिए गए हैं। अपने लड़कों को स्थानीय स्तर पर सक्रिय कर लिए गए हैं जो हर दिन पेमेंट लेने देने का काम करेंगे। टॉस जीतने हारने से लेकर हर रन, बॉल ओवर और टीम पर दांव लगेगा। गली मोहल्लों की परचून दुकानों से लेकर होटलों तक चोरी का ये पूरा धंधा ईमानदारी के साथ किया जाता है। किसी को इसकी कानोकान खबर नहीं लगती। ऑनलाइन या फेस टू फेस कौन होगा मैन ऑफ द मैच, कौन सी टीम में जीतेगी हारेगी, सब पर सट्टा लगता है। फटाफट क्रिकेट के इस खेल में कोई राजा बनता है तो कोई रंक। सट्टेबाजी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है, यह देखने वाली बात होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।